डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बेस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटाबेस कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और उसका कितने बेनिफिट्स रहेंगे और कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस का एक्जेक्टली मीनिंग क्या होता है और किस जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि कितने तरीके के डेटाबेस हमारे पास है और कितने तरीके के डेटाबेस यूज़ होते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस है यूज़ हो रहे हैं उसका एक डेफिनेशन है, उसकी सारी डेफिनेशन और डिटेल्स यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला डेटाबेस है यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तीसरा है नो एसक्यूएल डेटाबेस, चौथा है क्लाउड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस है जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है आपको टाइप्स ऑफ डेटाबेस के, जिसको आपको इजीली समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेस एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस है उसके अंदर क्या रहता है कि जितना भी डेटा आपका रहेगा वो एक ही जगह पे पड़ा होगा और जिस जगह पे पड़ा है, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए एक ही सिस्टम यूज़ होती है। मतलब उसको आपको कभी भी एक्सेस करना है तो आपको उस वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, लिंक्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से जिस तरीके का आपको फैसिलिटी दी है उस तरीके का डेटा आप फेच करवा सकते हो या स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो वो गया हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस। उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा एट अ सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पे स्टोर होगा। इट कंफर्ट्स द यूजर, मतलब यूजर को वो कंफर्ट देगा, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए और डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इट कंफर्ट्स द यूजर टू एक्सेस द स्टोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन थ्रू सेवरल एप्लीकेशन। अलग अलग तरीके की जितनी भी एप्लीकेशन आप बनाओगे, वेब एप्लीकेशन होगी या मोबाइल एप्लीकेशन होगी, आपको किसी भी तरीके से उस डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये डेटाबेस क्या रहेगा, वहाँ पे सेंट्रलाइज है, मतलब एक ही जगह पे पड़ा होगा। जिस तरीके की आप एप्लीकेशन बनाओगे उसके थ्रू आपको लिंक करवाना, जैसे कि उस तरह का जहाँ पे डेटा पड़ा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल लाइब्रेरी दिया हुआ है और आधार कार्ड प्रोजेक्ट दिया हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब मेरे पास किसी लाइब्रेरी के अंदर आपने रजिस्टर करवाया है और आपको उस बुक को पढ़नी है, ठीक है। तो आप जब लॉगिन करोगे तभी आप उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो हो गई वो आपकी सेंट्रलाइज लाइब्रेरी। और आधार कार्ड के प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी आधार कार्ड पड़ा हुआ है, करोड़ों डेटा पड़ा होगा तो एक ही जगह पे पड़ा होगा, ठीक है। उसको आप कभी भी एक्सेस करना है या डेटा आधार कार्ड के अंदर आपको फोन नंबर या एड्रेस चेंज करवाना हो तो एक ही जगह पे होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को यूज करता नहीं है। तो उसके एडवांटेजेस क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट इज डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट। जो हमें डेटाबेस को मैनेज करना होता है उसका रिस्क कम हो जाएगा बहुत ही। और डेटा को जो चेंज करेंगे, जैसे भी हम किसी भी तरीके के डेटा को चेंज करेंगे तो इसके जो मेन डेटा रहेगा मतलब उसकी जो कोडिंग रहेगी उसके अंदर चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड अ बेटर डेटा क्वालिटी, मतलब जितना भी डेटा पड़ा हो वो एकदम जेन्यून होगा, कोई भी गलत तरीके का डेटा होगा नहीं, मतलब स्टैंडर्ड डेटा वहाँ पे रहेगा और जितना भी डेटा हमारा रहेगा उसको ऑर्गेनाइज करेगा स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है। इट इज लॉस्ट कॉस्टली, लेस कॉस्टली बिकॉज ऑफ इसको मैनेज करने के लिए बहुत कम पर्सन चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे पड़ा हुआ है जितना भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए एक या दो व्यक्ति होंगे तो उसको मैनेज इजिली कर सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज हो गया। फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर कोई सर्वर जो डेटा लाना या भेजने के लिए जो भी सर्वर बीच में रहता है अगर वो फेल हो गया, ठीक है, तो आपका जितना भी डेटा होगा वो लॉस हो सकता है। मतलब ये हमारे लिए जितना भी डेटा पड़ा वो हमने एक सारा पैसा खर्च करने के बाद हमने बनाया है, डेटा स्टोर करवाया है, इंफॉर्मेशन इकट्ठे की है, तो सारा डेटा का एक साथ डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके बहुत बड़ा लॉस है। तो इसको मैनेज करने के लिए ये लोग बैकअप सिस्टम भी रखते हैं जो अपने आप बैकअप लेता रहता है, ठीक है। मतलब इसके चांसेस डेटा लॉस होने के बहुत ही कम है।
ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रलाइज उस, और उसका हम फ्लो भी देखते हैं अभी कैसे वर्क करता है वो। तो उसके लिए एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि अलग अलग बिल्डिंग्स दी हुई है और बीच में आपको इंटरनेट और वैन। देखो अगर इसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा होगा वो आपका कहाँ पे पड़ा होगा कि ये कम्युनिकेशंस एंड सिस्टम कंट्रोल लिखा हुआ ना, यहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, मतलब एक ही जगह पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और सर्वर क्या करता है कि आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो वो सर्वर फाइंड करेगा भी कहाँ पे है वो डेटा, तो अपने इंटरनेट और अदर वैन से फाइंड करेगा भी, मेन फ्रेम में जाएगा और यहाँ पे डेटा फाइंड करके आपको देगा फिर सर्वर के थ्रू। अगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आगे बढ़ा हमने भी सर्वर लॉस हो जाता है, किसी कोई भी एक भी सर्वर लॉस हुआ तो आपका जो मेन डेटा है वो भी लॉस हो सकता है, मतलब ये क्या हो गया वन टाइप ऑफ एक डिसएडवांटेज हो गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा। इफ एनी सर्वर फेल अकर एंटायर डेटा विल लॉस, तो ये एक सिस्टम हो गई जिसको आप एग्जांपल के थ्रू ग्राफिकली भी यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये हमारा सेंट्रलाइज डेटा हो गया। उसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमने नाम से ही पता चलता है कि वो अलग अलग एक जगह पे नहीं होगा, अलग अलग जगह पे स्टोर होगा। ठीक है, तो अनलाइक सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस की तरह नहीं, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग डेटाबेस के अंदर अलग अलग डेटाबेस रहेगा और अलग अलग जगह 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 वाइज वो उस जगह पे डेटा स्टोर होगा। जैसे कि सूरत में है तो सूरत के अंदर डेटाबेस अलग है और वडोदरा में जाऊंगा तो उसके वहाँ पे डेटाबेस अलग है, मतलब जिस सिटी में आप हो गए वहीं से उस सर्वर के डेटाबेस के अंदर से ही आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, उसके अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम वर्क नहीं करते, मतलब डेटा कनेक्टेड है। अब वडोदरा में अब पहले आपने रजिस्टर करवाया सूरत के अंदर, आप अभी किसी दूसरी जगह पे चले गए तो जैसे ही आप उस लिंक के अंदर अपना डेटा फाइंड करेंगे तो वो फाइंड तो कहाँ से करेगा, सूरत के अंदर से ही करेगा। ठीक है, मतलब दोनों सिस्टम के अंदर से, दोनों डेटाबेस के अंदर फाइंड करेगा वो कहाँ पे है, मतलब आपका क्या हो गया कि वो भी सेंट्रलाइज ही हो गया वन टाइप ऑफ। पर कोई भी डेटाबेस आपका खराब हो गया, सर्वर लॉस हो गया, तो ये दूसरे डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका मेन एडवांटेज हो गया। ठीक है, दिस डेटाबेस सिस्टम आर कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन लिंक। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको क्या रजिस्टर करवाना है, उसकी एक लिंक्स आएगी जैसे ऊपर रहती है सेंट्रलाइज के अंदर। ठीक है, तो जिस डेटाबेस के थ्रू आप कनेक्टेड हो उसकी लिंक अलग आएगी और जो दूसरी जगह पे उसकी लिंक अलग आएगी, मतलब डेटाबेस कनेक्टेड के लिए कनेक्टिविटी लिंक्स अलग अलग दी हुई है, जैसे कि एक दूसरे जो अलग अलग डेटाबेस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपाचे, कसांद्रा, एच बेज एंड इग्नाइट, ये सारे डेटाबेस हो गए। इस ये सारे डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दिए हुए हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है, तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट। मॉड्यूलर मतलब कैसे कि अलग अलग पार्ट्स में भी आप उसको डेवलप कर सकते हो, जैसे कि एक तरह का डेटाबेस है मुझे उसे अलग तरीके से डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो वैसे भी कर सकते हो, दूसरे डेटाबेस है उसको भी मुझे अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस का नाम सेम रहेगा पर वो अलग अलग जगह पे रहेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन अगर एक डेटाबेस में स्टोर हुई है वो दूसरे डेटाबेस में स्टोर होगी नहीं, मतलब दोनों एक इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो रहते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, इट प्रोवाइड अ बेटर डेटा क्वालिटी विच इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश अ डेटा स्टैंडर्ड, मतलब इसके अंदर भी सेम थिंग कि कोई गलत डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मेन एडवांटेज क्या रहता है कि वन सर्वर फेल विल नॉट अफेक्ट द एंटायर डेटा सेट, मतलब एक सर्वर फेल हो गया है तो उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो डेटा एज इट इज रहेगा। जहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या रहता था कि जैसे ही सर्वर फेल हो गया कोई एक भी तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, पर यहाँ पे ये चीज नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी मैन्युफैक्चर हमारे कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, सेल्स है, हेडक्वार्टर, मैन्युफैक्चर, सेल्स, और बीच में क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग डेटाबेस बनाया हुआ है, सेल्स के लिए भी अलग डेटाबेस है, हेडक्वार्टर के लिए भी अलग डेटाबेस है, पर ये तीनों डेटाबेस इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। कभी भी हेडक्वार्टर को मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, सीधा मैन्युफैक्चरिंग के डेटाबेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पर होते क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, फिर रिलेशनल डेटाबेस आता है। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे जितने भी डेटाबेस हमारे पास है तो उसके अंदर जितना डेटा होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, मतलब रिलेशन में होगा, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। तो उसका एक डायग्राम बनाया होता है, मॉडल दिया होता है, जिसके थ्रू ही इसको डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। विच स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, जितना भी डेटा आपका रहेगा वो एक रो और कॉलम के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एंड टुगेदर फॉर्म, अटले और रोज और कॉलम एक साथ मिलके क्या बनता है, उसका टेबल बनता है। उसे जो टेबल बनता है उसे रिलेशनल बोलते हैं, और जो रो होती है उसे टुपल बोलते हैं, और कॉलम होती है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि आपको इसका पता चलेगा डीपली। रिलेशनल डेटाबेस यूज एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फॉर स्टोरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग मतलब चेंज डेटा, एज वेल एज मेंटेनिंग डेटा, मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल। तो ये तीनों क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस रहते हैं, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस क्या थे कि इसको भी हम मॉड्यूलर अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, डेटा क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर थी वही होगी यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की, ठीक है। उसके अंदर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस है वो आपकी एक रो है, ठीक है। और नीचे जो वन गूगल और एक्टिव दिया है वो भी अभी एक रो हो गए। और कॉलम के अंदर जो कस्टमर आईडी दी हुई है, कॉलम मतलब कस्टमर आईडी 1 2 3, ये आपकी कॉलम हो गई, ठीक है। तो कस्टमर आईडी को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम मतलब ये आपकी हो गई वन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मतलब उसको पहचानना कैसे है वो चीज। और टुपल मतलब जो रो के फॉर्म में है, वन गूगल एक्टिव, टू अमेजोन एक्टिव, वो आपकी टुपल हो गई, मतलब रो हो गई, उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। जो कॉलम होगा उसके अंदर क्या रहेगा, वो एट्रीब्यूट, भाई कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो कस्टमर आईडी है। इसके अंदर क्या है, तो कस्टमर नेम है, ठीक है। तो ये सारा डेटा जिस फॉर्म में पड़ा रहता है, टेबल बनेगा, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद है नो एसक्यूएल, मतलब जो रिलेशनल फॉर्म में रहता है डेटा उसका अलग, उसका कोई डेटाबेस रहता नहीं है, वो किसी भी तरीके से कैसे भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पर उसका एक फॉर्म्स है कि भी इस तरीके से ही होना चाहिए। तो नो एसक्यूएल मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है फिक्स, वो किसी भी तरीके से आ सकता है डेटा, ठीक है। तो नॉट ओनली एसक्यूएल इज टाइप ऑफ डेटाबेस इज यूज फॉर स्टोरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट, मतलब एसक्यूएल ही ऐसा डेटाबेस नहीं है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, बट इसके अलावा भी नो एसक्यूएल भी है, इट इज नॉट रिलेशनल डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल ये रिलेशनल में नहीं होता, ठीक है, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। एज इट स्टोर डेटा ओनली, डेटा नॉट ओनली इन टेबुलर फॉर्म बट इट सेवरल डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उसको स्टोर करवा सकते। तो अलग अलग तरीके का क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि की वैल्यू, और की और वैल्यू के फॉर्म में होता है, कॉलम फैमिली के फॉर्म में होता है, ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये भी आपका वन टाइप ऑफ क्या हो गया, डेटाबेस हुआ, पर आपका क्या हुआ, नो एसक्यूएल, मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो डेटा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब वो वहां पे पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में वो रहता है, ठीक है। व्हेन डिमांड बिल्डिंग मॉडर्न एप्लीकेशन, अभी जिस तरीके की एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो किसके बेस पर रहती है, अभी नो एसक्यूएल बेस पे, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या है, तो कोई मोंगो डीबी है, रेडिस है, एच बेज है, वो सारी क्या होगी, न्यू एसक्यूएल के एग्जांपल हो गए। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो इट इनेबल्स गुड प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना भी डेटा आपको उसके अंदर डालना होता है वो जैसे ही डालते हो तो वो अपने आप ही डेटाबेस अपना डेटा बढ़ाता जाता है, मतलब स्केलेबल है, डेटा बढ़ता ही जाएगा, तो बहुत सारे डेटा आपको बढ़ाने रहते हैं तो वो अपने आप ही डेटाबेस को अंदर जितने भी इंक्रीज साइज है वो बढ़ती रहती है अपने आप ही, और जितना डेटा आप डालोगे उतनी वो साइज रोकता है, उससे कम या ज्यादा नहीं रोकता। जैसे कि आपने उसकी साइज बढ़ा दी तो अपने आप उतनी साइज बढ़ा देगा, और बाकी दूसरे डेटा रहेगा उसको भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इट इनेबल्स गुड प्रोडक्टिविटी इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट
ठीक है, एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड आईओएस के ऑपरेटर जैसे ही आप एप्लीकेशन बनाओगे उसके अंदर इजीली डेटा स्टोर करने के लिए अभी यूज होता है नो एसक्यूएल, मतलब मोंगोडीबी यूज होता है। एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जहाँ पे डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट इज बेटर ऑप्शन फॉर मैनेजिंग एंड हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट, बहुत बड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए नो एसक्यूएल बेटर है अभी। और इट प्रोवाइड्स हाई स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबिलिटी मतलब वो जितना भी डेटा आपको उसके अंदर बढ़ाना है उतना आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नो एसक्यूएल। उसकी एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे दो तरीके से दिया हुआ है कि एसक्यूएल में कैसे होता है और नो एसक्यूएल में कैसे होता है। तो एसक्यूएल अंदर जितना भी डेटा है रिलेशनल मतलब टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, और नो एसक्यूएल के अंदर डेटा रहेगा वो आपकी की और वैल्यू के फॉर्म में, कॉलम फैमिली ग्राफ और डॉक्यूमेंट में फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नो एसक्यूएल। उसके बाद है क्लाउड डेटाबेस। तो क्लाउड डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा आपका पड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि क्लाउड के फॉर्म में रहता है, मतलब जितने भी डेटा पड़ा है उसको सर्चिंग करिए, चेंज करवाना है और उसके अंदर जितनी भी आपको फैसिलिटी दी हुई है वन टाइप ऑफ एक सर्वर के अंदर रहता है। ठीक है, जो सेंट्रलाइज तरीके से यूज होता है, मतलब इसके अंदर नो एसक्यूएल भी आ गया और सेंट्रलाइज भी आ गया, दोनों तरीके यूज होते हैं। तो अ टाइप ऑफ डेटाबेस वेयर डेटा इज स्टोर इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल मतलब क्या हो गया, उसका एक इमेज फॉर्मेट में होता है, जैसे कि हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो कैसे एक वर्चुअल फॉर्म में दिखाई देते हैं, वैसे ही एक जितना भी डेटा हमने जहाँ पे स्टोर करवाया है तो उस डेटा को एक वर्चुअल फॉर्म में वो दे देगा और अपने आप ही एक सिस्टम बना लेगा जिसके अंदर से आपको डेटा देगा। अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहा है तो ओरिजिनल में चेंज होगा, मतलब हमारा सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। एंड एग्जीक्यूट ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या देता है कि जितना भी डेटा आपको उसको एनालाइज करके भी देता है। जैसे कि आपको इस ईयर के अंदर आपने जितना भी प्रॉफिट किया या लॉस किया तो उसको एक एनालाइज करके आपको एक ग्राफ बनाएगा, और ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस ईयर के अंदर या इस मंथ के अंदर या इस डेट के अंदर मुझे इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, वो भी आपको दिखाई देगा। मतलब कंप्यूटेशनल जो नंबर्स होते हैं वो आपको देगा, यहाँ पे अपने आप ही देगा। जैसे कि कोई भी आपका, अगर आपने क्लाउड सर्वर यूज किया होगा या डेटाबेस यूज किया हो तो उसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हो गए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड यूजर विथ वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये भी जो भी आप क्लाउड डेटाबेस ले रहे हो तो उसके अंदर बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज देता है वो। जैसे कि आपका, मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस हो गया, मैन्युफैक्चर कितना करना है आपको, सेल्स कितना करना है, हेडक्वार्टर्स के अंदर कौन चीज, हेडक्वार्टर कितने पर्सन है और आगे आपको कितने रखने हैं कितने निकालने हैं, तो वो सारा कुछ कंप्यूटिंग क्या देगा कि इस सर्विस इस क्लाउड के अंदर आपको कंप्यूटिंग। पर उसके अंदर क्या रहता है कि आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज वो लेनी पड़ती है अलग से, जैसे कि यहाँ पे सास पास और आई। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो ये अलग अलग तरीके की सर्विसेज है, आपको कौन सी सर्विस चाहिए वो अलग से आपको पेमेंट करना होता है उसका। ठीक है, उसके लिए क्या दिया हुआ है यहाँ के अलग से अमेजोन वेब सर्विसेज एग्जाम्पल तरीके से। देखो अभी अमेजोन वेब सर्विसेज क्या करता है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है कितने सेल्स हुआ है तो उसका एक हिसाब रखेगा, कंप्यूटेशन नंबर रखेगा, उस नंबर को आप कभी भी सर्च करोगे, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि इस मंथ के अंदर हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर, मतलब नंबर के फॉर्मेट में जितना भी डेटा देगा वो आपको एक नंबर के फॉर्मेट में देगा। ठीक है, फिर गूगल क्लाउड, तो गूगल क्या करता है, तो ऑटोमेटिकली सर्वर के अंदर जितना भी डेटा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रखेगा और उसके अंदर नंबरिंग फॉर्मेट में वापस आपको जितना भी डेटा चाहिए, आर्टिफिशियल कैसे कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे क्लाउड के अंदर जैसे डेटाबेस लोगे तो आपको आर्टिफिशियली वो बताएगा कि किस तरीके के डेटा की आपको जरूरत पड़ सकती है और पिछले पिछली बार आपको कौन सी कितना डेटा था उसके अंदर और अब क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो भी ये कंप्यूटेशन। पर उसके लिए कंप्यूटिंग के लिए उसकी सर्विसेज आपको खरीदनी पड़ेगी अलग से। तो उसका एडवांटेजेस क्या हो गया, इट इनेबल द गुड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पहले से ही नंबर बता दे रहा है कि इतनी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो
प्रोडक्टिविटी भी हमारी अच्छी रहेगी इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि हमें वो बताएगा कि नंबर कम हो रहे हैं तो हम उतना अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जैसे कि हमें लॉस कम होगा, ठीक है। तो इट इनेबल्स द गुड प्रोडक्टिविटी इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जैसे कि डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज बेटर ऑप्शन फॉर मैनेजिंग हैंडलिंग डेटा सेट्स, इट प्रोवाइड अ लार्ज स्केलेबिलिटी। बहुत सारे डेटा आप एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहा, क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऊपर क्लाउड के फॉर्म में दिया है, उसके अंदर जितने भी सर्वर्स है, वर्चुअल डेस्कटॉप से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन से और स्टोरेज है, वो सारा कुछ एक के अंदर ही होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे नहीं होता। जैसे कि हमने आगे बढ़ा था तो क्या होता है, सर्वर अलग होता है, राउटर अलग होता है, ओएस अलग होती है, ठीक है, वो डेटा स्टोर करने के लिए अलग डेटाबेस होता है। तो वो सारा क्या यहाँ पे अलग अलग जगह पे होता है, यहाँ पे क्या दिया आपको एक ही जगह पे दे दिया है, ठीक है, यानी कि आपकी कंप्यूटेशनल फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस था, ठीक है। बाकी के डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और हायरार्की डेटाबेस के एग्जांपल, वो सब आपको फाइंड करके आने हैं, ठीक है। उसके नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि किस तरीके से वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो बाकी का आपको अपने आप से फाइंड करना है और सर्च करना है, ठीक है। आज का टास्क क्या हुआ है, मतलब ये डेटाबेस हो गया, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वो कैसे यूज होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, टुपल, नोएसक्यूएल, कैसे डीपली पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर और हो रहा है और इसको सही से पढ़ना। तो जैसे ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चंस गाइड है वो यहाँ पे दी हुई है, जिसकी मदद से आपको अटेंडेंस लगानी है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिफरेंट बिटवीन एसक्यूएल नो एसक्यूएल एंड व्हाट इज अ टेबल। तो इन तीन क्वेश्चन को आपको अटेंडेंस के फॉर्म में सबमिट करवाना है, तभी आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।